नॉर्थ कोरिया में हाल में ही भयानक बाढ़ आई। सैलाब ने 4000 जिंदगियां निगल ली। बाढ़ प्रबंधन में नॉर्थ कोरिया के 30 अधिकारी नाकाम साबित हुए, जिसके बाद किम जोंग उन ने लापरवाह अधिकारियों को फांसी की सजा सुना दी। जिस किम को तानाशाह कहा जाता है, उसने ये फैसला अपनी उस जनता के हक में लिया जो बेमौत मारी गई। हमारे देश में भी बारिश ने तांडव मचाया। बाढ़ आने पर रेस्क्यू टीमों ने भी अपना काम किया, लेकिन जिस सरकारी तंत्र पर आपदा से निपटने की तैयारी की जिम्मेदारी रहती है, क्या वो तंत्र अपना काम ठीक से करता है? शायद नहीं। मध्य प्रदेश के सतना से सरकारी तंत्र की लापरवाही का एक ऐसा ही मामला सामने आया है। जिले में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नारायण तालाब के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था। इसी दौरान तालाब की मेड़ टूट गई और तालाब का पानी निचले इलाकों में भर गया। घरों में पानी भरने से लाखों का नुकसान हुआ। तो हालात का जायजा लेने खुद मंत्री प्रतिमा बागरी मौके पर पहुंची। मंत्री जी को अपने बीच देखकर स्थानीय लोगों ने घटना की असली वजह बतानी शुरू की। मंत्री जी के साथ पूरा सरकारी अमला मौजूद था। डीएम साहब खुद पूरे मामले को अपने हिसाब से समझा रहे थे, लेकिन तस्वीरों में दिख रहे इस बुजुर्ग ने बताया कि ठेकेदार की जेसीबी की वजह से तालाब की मेड़ टूटी। इतना ही नहीं, उस जेसीबी से उसका घर भी टूटते टूटते बचा। प्रशासन और ठेकेदार की मिली भगत की कहानी जब मंत्री के सामने आनी शुरू हुई, तो डीएम साहब की त्योरियां चढ़ गई। लापरवाह ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय डीएम साहब ने पीड़ित पर ही रुआब झाड़ना शुरू कर दिया। प्रशासनिक लापरवाही के चलते जो लोग मुआवजे के हकदार हैं, डीएम साहब ने उन्हीं के घरों की नाप करवाने की धमकी दी। नारायण तालाब के नाम पर सरकारी पैसे की बंदरबांट नई नहीं है। ठेका कंपनी को 8 सितंबर 2021 को नारायण तालाब के सौंदर्यीकरण का वर्क ऑर्डर दिया गया था। इसके बावजूद 3 बार एक्सटेंशन मिलने के बाद भी कंपनी ने काम को 50% भी पूरा नहीं किया। नगर निगम ने कंपनी की उदासीनता पर कोई सख्त कदम भी नहीं उठाया, जिसके चलते हालात और बिगड़ गए। तालाब की मेड़ टूटना भी उसी उदासीनता का नतीजा था। सतना का प्रशासनिक तंत्र कमजोरों को आंखें दिखा रहा है, लेकिन मंत्री प्रतिमा बागरी अलर्ट मोड में नजर आ रही है। उन्होंने तालाब का मेड़ टूटने का जिम्मेदार ठेका कंपनी को माना है और फौरन ठेका रद्द कर कंपनी को ब्लैकलिस्ट में डालने के आदेश दिए हैं। लेकिन लापरवाही पर आंखें मूंदने और आम आदमी को आंखें दिखाने वाले ऐसे अधिकारियों पर एक्शन कब होगा, सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर मुस्लिम धर्म के युवाओं के लिए है। जी हाँ, अगर आप डीजे के शौकीन हैं, डांस के शौकीन हैं, तो आज से बंद कर दीजिए, क्योंकि मौलानाओं ने इसे लेकर फतवा जारी कर दिया है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। डीजे की आवाज पर रुमाल से लहराते हैं, नाथ शरीफ की सदा बुलंद होती है और उस पर ये थिरकते हैं और नाचते हैं। ये सरासर गलत फेल है। अगर आप मुस्लिम युवा हैं तो संभल जाइए। अगर आप डीजे पर थिरकने के शौकीन हैं, तो इस अपने शौक का कत्ल कर दीजिए। अगर आप हाथ में रुमाल लेकर ठुमके लगाते हैं, तो आपके ठुमकों पर फतवा जारी कर दिया गया है। धर्म के ठेकेदारों को अब डीजे भी खटकने लगा है। जो अल्लाह के सच्चे दिल से इबादत को कबूल करता था, वो अब डीजे पर नाचने वालों से ही नाराज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा शरीयत में लिखा है। ये हम नहीं बल्कि चश्मे दारुल इफ्फा बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी फरमा रहे हैं। 16 सितंबर को इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल शरीफ है और उस दिन जुलूस मुहम्मदी पूरी दुनिया में बिलखसूस हिंदुस्तान में निकाला जाएगा। हर शहर हर गांव में जुलूस मुहम्मदी निकाला जाएगा। ये पाकीज़ा दिन, इस पाकीज़ा दिन पाकीज़ा जुलूस में भी नौजवान डीजे लेकर के आते हैं और डीजे की आवाज़ पर रुमाल से लहराते हैं, नाथ शरीफ की सदा बुलंद होती है और उस पर ये थिरकते हैं और नाचते हैं। ये सरासर गलत फेल है, शैतानी अमल है और शरीयत की रोशनी में नाजायज और हराम है। इतना ही नहीं, मौलाना शहाबुद्दीन ने धार्मिक जुलूस निकालने वाले अंजुमन से भी अपील की है कि डीजे पर डांस करने वालों से तौबा की जाए, ऐसे लोगों को जुलूस में शामिल ना होने दिया जाए। जो शख्स भी इस तरह करता हुआ दिखे तो उस पर गिरफ्त होना चाहिए और उससे बाज़पुस होना चाहिए, क्योंकि गैर शरई अमल करने वाले पर तौबा ज़रूरी है और ऐसे शख्स को
ऐसी अंजुमनें जो जुलूस में लेकर के आती हैं, डीजे लेकर के आती हैं, गाने बाजे के सामान लेके आती हैं, ऐसी अंजुमनों को जुलूस से बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। कि फतवा बहराइच के निहाल रजा अंसारी के दारुल इफ्ता से पूछे गए सवाल पर दिया गया है। फतवे में कहा गया है, मजहबी जुलूसों में डीजे पे थिरकने वालों से अल्लाह नाराज हो जाएंगे, ऐसे लोगों की इबादत को कबूल नहीं करेंगे। जहां सूफी संतों ने अल्लाह की इबादत के लिए संगीत को जरिया बनाया था, अब वहीं ऐसे मौलाना संगीत और डीजे को हराम बता रहे हैं। फतवा जारी होने के बाद अब मुस्लिम युवाओं को धार्मिक आयोजन में शामिल होने से पहले मौलाना की हिदायत को ध्यान में रखनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर खालिस्तान का समर्थन करने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बड़ा झटका लगा है। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को समर्थन करने वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद कहा जा रहा कभी भी ट्रूडो की सरकार गिर सकती है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। जिसके दम पर भारत को आंखें दिखाते थे ट्रूडो, जिसके कहने पर खालिस्तानियों की पैरवी करते थे ट्रूडो, उसी खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह ने ट्रूडो को बड़ा झटका दिया है। जगमीत सिंह ने ट्रूडो की घंटी बजा दी। दरअसल हुआ यूं कि एनडीपी के नेता जगमीत सिंह ने जस्टिन ट्रूडो की अल्पमत सरकार को साल 2022 में समर्थन दिया था और जगमीत सिंह की कृपा पर ही जस्टिन ट्रूडो की सरकार चल रही थी। लेकिन अब कट्टर खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह ने भी जस्टिन ट्रूडो को थैंक यू बोल दिया है। जगमीत सिंह ने एक वीडियो जारी कर ऐलान किया कि अब वो जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को और समर्थन नहीं देंगे। जगमीत सिंह ने साफ कह दिया है कि वो समर्थन वापस ले रही हैं। और उनके इसी ऐलान के बाद कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो राजनीतिक संकट में घिर गए। समर्थन वापसी के ऐलान के बाद ट्रूडो को अब अपनी सरकार चलाने के लिए विपक्षी दलों पर निर्भर रहना पड़ेगा, खासतौर पर तब जब संसद में विश्वास मत की जरूरत होगी। अगर अभी चुनाव होते हैं तो हालिया सर्वे के अनुसार जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कनाडा में अगला चुनाव अक्टूबर 2025 तक होना है, लेकिन अगर कनाडाई संसद में विश्वास मत हुआ तो उसका नतीजा सत्ता जानी तय है। अगर जस्टिन ट्रूडो को अपनी सरकार बचानी है तो उन्हें नए गठबंधन की कोशिश करनी होगी। एनडीपी के नेता और खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह का यू मुंह मोड़ना जस्टिन ट्रूडो के लिए इसलिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि इसी जगमीत सिंह के कहने पर ही जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ संबंध खराब किए और इसी जगमीत सिंह के कहने पर ही ट्रूडो खुलकर खालिस्तानियों की पैरवी करते रहे। लेकिन अब खालिस्तान भी ट्रूडो के काम नहीं आया और ट्रूडो सबसे बड़े राजनीतिक संकट में घिर गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।